आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप अपने फ़ोन में एंड्रॉयड सिस्टम वेब व्यू अपडेट कर रहे हैं तो आपके फ़ोन में ये अपडेट नहीं हो रहा है, आपको इसे अपडेट करने पर इस तरीके से पेंडिंग शो होता है, या फिर इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम एरर आ रही है, तो इसे ठीक कैसे करें। तो इसके लिए आप गूगल प्ले स्टोर से बाहर आइए। अब अपने फ़ोन की सेटिंग्स ओपन करिए। सेटिंग्स ओपन करने के बाद नीचे आइए। नीचे आने पर ऐप्स आएगा, इस पर क्लिक करिए। उसके बाद मैनेज ऐप्स आएगा, या फिर ऐप मैनेजर आएगा, या फिर ऐप मैनेजमेंट आएगा। तो इन तीनों में से किसी एक नाम से आपके फ़ोन में आ सकता है। हमारे फ़ोन में जैसे कि मैनेज ऐप्स आ रहा है, तो इस पर क्लिक करिए और इसे ओपन करिए। अब इसे ओपन करने के बाद आपके फ़ोन के सारे ऐप आ रहे हैं। तो यहाँ पे आने के बाद नीचे आइए। नीचे आने पर आएगा कुछ इस तरीके से गूगल प्ले स्टोर। तो यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर पे क्लिक करिए, तो देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है। तो प्ले स्टोर पे क्लिक करिए, उसके बाद ऐसा पेज आएगा, या फिर यहाँ पे आने के लिए आप प्ले स्टोर के आइकन पे 2 से 3 सेकंड प्रेस करिए। उसके बाद ऐप इन्फो आएगा, इस पर क्लिक करिए। तो यहाँ पे आप इस तरीके से भी आ सकते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद नीचे फोर्स स्टॉप आएगा, इस पर क्लिक करिए। उसके बाद ओके करिए। ऊपर आएगा स्टोरेज या फिर स्टोरेज यूसेज, तो इस पर क्लिक करिए। अब नीचे क्लियर डेटा पे क्लिक करिए, क्लियर ऑल डेटा करिए, उसके बाद ओके करिए। तो ये करने से कोई डेटा या फिर कोई ऐप डिलीट नहीं होता है। तो यहाँ पे अब बैक आ जाइए। बैक आने के बाद अब यहाँ पे आप अपने फ़ोन को बंद करके चालू करिए, या फिर अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करिए, और अब उसके बाद प्ले स्टोर ओपन करिए और अब चेक करिए। यहाँ पे आपके फ़ोन में एंड्रॉयड सिस्टम वेब व्यू अपडेट हो रहा है। तो यहाँ पे जैसा कि अब आप देख सकते हैं, एंड्रॉयड सिस्टम वेब व्यू अपडेट हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को ठीक करें। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।